नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सीमा हैदर की भारत आने की कहानी जांच एजेंसियों को उलझाती जा रही है, वह बार बार अपने बयान बदल रही है। एटीएस को सीमा के नेपाल के रास्ते भारत आने की कहानी पर भी संशय है। सीमा दिल्ली एनसीआर के कई युवकों से इंटरनेट पर संपर्क में थी, उसने सेना के अधिकारी को भी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा का भाई आसिफ पूर्व में पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है। गुजरात के धोराजी में 6 घंटे में गिरा 10 इंच पानी, सूत्रपाड़ा में 4 घंटे में 9 इंच बारिश, राज्य में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार सुबह खतरे के निशान 205.33 मीटर को फिर पार कर गया। यमुना का जलस्तर करीब 12 घंटे पहले ही खतरे के निशान से नीचे आ गया था। आगरा में उफान पर यमुना, ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा नदी का पानी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि बढ़े हुए जलस्तर से ताजमहल को कोई नुकसान का खतरा नहीं। ताजमहल की दीवार तक यमुना का पानी इससे पहले केवल 1978 और 2010 में पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, एनडीए क्षत्रिय आकांक्षाओं का इंद्रधनुष, विपक्ष का इंडिया भ्रष्टाचार परिवारवाद आधारित, जब गठबंधन जातिवाद और क्षत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो तो वह देश को बहुत नुकसान करता है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों का बड़ा फैसला, इंडिया नाम की घोषणा के बाद जीतेगा भारत टैगलाइन को चुना। आजाद अधिकार सेना नामक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से की शिकायत। नोएडा में कथा के दौरान खाली प्लॉट से की थी महिलाओं की तुलना। इसरो का बयान, चंद्रयान 3 की तीसरी कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर उसे पृथ्वी की अगली कक्षा में भेजा। टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क की मदद से बदली गई कक्षा। बेंगलुरु से लौटते समय सोनिया गांधी और राहुल के विमान में आई तकनीकी खराबी, पायलट ने दिखाई सूझबूझ, भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।